यू मुंबई वर्सेस गुजरात फॉर्चून जायंट्स, ये मुकाबला बहुत ही ज्यादा अच्छा रहा और मुकाबले के चैंपियन रहे सुरिंदर सिंह, क्योंकि सुरिंदर सिंह ने 4 पॉइंट की रेड की है। सुरिंदर सिंह डिफेंडर है यू मुंबई के, जो कि आप जानते होंगे, उन्होंने 4 पॉइंट रेड यानी सुपर रेड कर दी, ये बहुत ही बड़ी बात है। टोटल उन्होंने 9 पॉइंट कमाए। आज का मैच 32-20 से ये स्कोर था, गुजरात को 12 पॉइंट से हराना मतलब बहुत ही बड़ी बात हो जाती है। Hats off to Surinder. तो चलो गाइस इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट, बट उससे पहले एक एडवर्टाइजमेंट है, बहुत ही अच्छी एडवर्टाइजमेंट है, आपको बहुत ही लाभकारी होगी। आज हम बात करने वाले प्ले स्टॉक्स 11 एप्लीकेशन के बारे में। यहाँ पर क्रिकेट और कबड्डी बार प्रेडिक्शन लगाने का होता है, मैच लगाने के होते हैं, 7 प्लेयर सिलेक्ट करने के होते हैं, 5 रुपए से लेके 1111 रुपए तक के कॉन्टेस्ट मिल जाएंगे आपको। बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है क्योंकि यहाँ पर आपको ब्रांड एम्बेसडर नहीं मिलेंगे, क्योंकि कंपनी का ऐसा मानना है ब्रांड एम्बेसडर को इतने पैसे दे, इतने करोड़ रुपए दे, इससे अच्छा हम लोगों में बांटते। इस कंपनी की खास बात यह है कि और कंपनियां 60-70% पैसे डिस्ट्रीब्यूट करती है, बट ये कंपनी 90% पैसे डिस्ट्रीब्यूट करती है। जो अपने पोल लगाते हैं वहां पर से 90% पैसे आपको वापिस आते हैं, तो यहाँ पे जीतने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है। आजकल कॉन्टेस्ट भी चल रहे हैं, तो कॉन्टेस्ट आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, कबड्डी आज ही लॉन्च हुआ है, तो आपके पास बहुत ही बड़ा मौका है। कबड्डी में जाइए, प्रिडिक्शन लगाइए और जीतिए ढेरों लाखों के इनाम। 50 रुपए कैश बोनस मिलता है आपको, ये बता दूं मैं, जैसे ही आप रेफरल कोड के द्वारा जाएंगे वैसे ही 50 रुपए कैश बोनस मिल जाएगा। रेफरल कोड आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा और लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आपको एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, सबसे अच्छा कस्टमर सपोर्ट आपको मिलेगा। तो गाइस देर ना कीजिए, इस एप्लीकेशन को अभी डाउनलोड कीजिए। इस मैच के टॉप रेडर अभिषेक सिंह रहे, 16 रेड में 5 रेड पॉइंट हासिल किए। टॉप डिफेंडर सुरेंद्र सिंह रहे, 60 टैकल में 5 टैकल पॉइंट हासिल किए। टॉप रेडर अपनी टीम गुजरात के लिए 6 रेड में 4 पॉइंट हासिल करने वाले हरमजीत सिंह रहे। टॉप डिफेंडर अंकित रहे, अपनी टीम गुजरात के लिए 5 टैकल में 3 टैकल पॉइंट हासिल किए। गुजरात का परफॉर्मेंस आज थोड़ा सा लो दिख रहा था, गलतियां ज्यादा की उन्होंने। मुंबई का स्कोरबोर्ड देख ले तो 9 पॉइंट सुरेंद्र सिंह, 6 पॉइंट अभिषेक सिंह, 4 पॉइंट यंग चेको, 3 पॉइंट रोहित बलियान, 2 पॉइंट फजल अत्राचली और 1 पॉइंट अर्जुन देसवाल। आज का परफॉर्मेंस सुरेंद्र सिंह का इतना अच्छा था कि पूरे लैग का जो ट्रॉफी दी जाती है, जो बाइक दी जाती है, वो इन्हें ही मिल गई। सब्स्टिट्यूट 2 पॉइंट ले गए, डोंग चोनली सब्स्टिट्यूट पे आए थे मुंबई की ओर से। गुजरात फॉर्चूनर्स का पॉइंट टेबल देख ले तो 3 पॉइंट जीबी मोरे, 3 पॉइंट अंकित, 2 पॉइंट प्रवेश, 2 पॉइंट रोहित कुलिया, 1 पॉइंट सुनील और 0 पॉइंट सचिन। सचिन जैसा रेडर 0 पॉइंट ले जाए मतलब बहुत ही बड़ी बात हो जाती है। यही कहीं ना कहीं दिक्कत आ गई, रेडिंग यूनिट चल ही नहीं पाया गुजरात फॉर्चून जायंट्स का। सब्स्टिट्यूट पे हरमनजीत सिंह 4 पॉइंट ले गए, सोनू 3 पॉइंट, विनोद और रुद्राज को रवि 0 के साथ बाहर गए। हेड टू हेड पॉइंट टेबल देख रहे थे मुंबई के 15 रेड पॉइंट, वही गुजरात फॉर्चून जायंट के सिर्फ 10 रेड पॉइंट थे। मुंबई के 12 टैकल पॉइंट थे, वही 8 टैकल पॉइंट थे गुजरात फॉर्चून जायंट्स के। मुंबई के पास 4 ऑल आउट पॉइंट थे, वही 0 पॉइंट थे गुजरात फॉर्चून जायंट्स के पास। ये हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है, इसे फॉलो करना ना भूलिएगा। एक्स्ट्रा में 1 पॉइंट मुंबई के पास था, वही 2 पॉइंट गुजरात फॉर्चून जायंट के पास थे। तो गाइस इस मैच के बाद मुंबई आ चुका है टॉप पर, 6 मैचेस के लिए 3 हारी है और 3 जीते है। यही पॉइंट टेबल गाइस आप देख सकते हैं इस मैच के बाद का पॉइंट टेबल। ओके गाइस इस वीडियो करते हैं हम यही समाप्त। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लेना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बिना कहीं ना जाइएगा। ओके बाय गाइस, हैव अ गुड डे, गुड नाइट, टेक केयर।